क्रोध में इंसान भ्रमित हो जाता है और भ्रम से बुद्धि व्यग्र हो जाती है और अपने गलत फैसले के चलते उसका पतन शुरू हो जाता है। जो व्यक्ति कामी प्रवृत्ति का होता हो, जिसके मन में लोभ होता है और जो अत्यधिक क्रोधी स्वभाव का होता है, उसके लिए नरक के द्वार सदैव खुले होते हैं। अर्थात ऐसे व्यक्ति को तो सिर्फ नरक में ही जगह मिलती है। मनुष्य सब कुछ चाहता है पर सब कुछ उसे नहीं मिल सकता। आपको जो नहीं मिला उसके लिए पश्चाताप मत करो और जो आपसे खो गया, जो आपसे अलग हो गया उसके लिए निराश भी मत हो। समय एक सा नहीं रहता। आज दुख है तो कल सुख भी आएंगे और सुख के बाद दुख भी आना स्वाभाविक है। आपको पूरे धैर्य और श्री कृष्ण पर विश्वास के साथ अपना जीवन निर्वाह करना चाहिए। वह जो तुझसे प्रेम करता है उसे तू प्रेम दे। जो तुझे द्वेष करता है उसे तू प्रेम दे। ऐसा ही सच्चा प्रेम है। आदमी का मन ऊंच का बन जाता है। जैसे वह सोचता है वैसा वह बन जाता है। सभी धर्मों में सर्वोच्च धर्म केवल प्रेम है। प्रेम के बिना कोई धर्म नहीं है। जब तक मनुष्य अपने नहीं प्रेम करता वह सत्य आत्मा का अनुभव नहीं कर सकता। आपकी अभिलाषा अपने धर्म के अनुसार करें परंतु आपके धर्म को आपकी अभिलाषाओं के अनुसार न बदलें। जीवन में समय समय पर विचारधारा को बदलना आवश्यक है परंतु सच्चे आत्मविश्वास के साथ और अपनी मूल मानसिकता को बनाए रखें। एक अन्य व्यक्ति के गुणों की तुलना में अपने गुणों को प्रकट करें और खोजें। यदि आप इस तरीके से अपने को समझते हैं तो आप खुद को नहीं खो देंगे। जीवन की यात्रा में शरीर अवश्य ही नष्ट हो जाएगा परंतु आत्मा अनंत है और मृत्यु के बाद भी जीवित रहती है। जब तक हम अंतरंग शांति नहीं प्राप्त करते हम बाहरी वातावरण के लिए निरंतर व्याकुल रहेंगे। संसार में जो कुछ भी है वह माया है।
सत्य अविकारी और अविनाशी है। आप जो कुछ भी कर रहे हैं उसे भगवान को समर्पित करें और उसे ईश्वर की आराधना। जीवन का सार गर्व, लोभ और कामना से मुक्त होकर समय को आनंद पूर्वक बिताने में है। मन को नियंत्रित करो ताकि वह तुम्हारे अनुकूल विचारों और कर्मों का पालन करे। आदर्श मनुष्य वह है जो किसी भी स्थिति में समान भाव से रहता है, सुख और दुख में समान होता है और सब में प्रेम बरसाता है। अपने जीवन को सार्थक बनाने के लिए ईश्वर के साथ संबंध स्थापित करो और सच्चे प्रेम का अनुभव करो। कर्म करो परंतु फल की आकांक्षा मत करो। आपका कर्म आपके धर्म का पालन करने के लिए होना चाहिए, न कि आकर्षणों और लाभ के लिए। श्रद्धा और भक्ति के साथ अपने कर्मों को समर्पित करो और फल की चिंता छोड़ दो। ईश्वर सबका सम्मान करता है और उन्हें उनके कर्मों के अनुसार फल देता है। वह सब कुछ करो जो तुम्हें करना है, लेकिन लालच से नहीं, अहंकार से नहीं, वासना से नहीं, ईर्ष्या से नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, नम्रता और भक्ति के साथ। लोग अपने शरीर को सुंदर बनाने में लगे रहते हैं, पर आत्मा की सुंदरता शरीर की सुंदरता से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। शरीर तो नश्वर है, मिट्टी ही तो है, तो मिट्टी में ही मिल जाता है, पर आत्मा अमर है, इसलिए आत्मा की सुंदरता पर ध्यान दो। आत्मा की सुंदरता अपने को श्री कृष्ण में लीन करने में मिलती है। मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो कर्म करता है, इसलिए कर्म करना एक व्यक्ति का धर्म भी है। कर्म कार्य करने वाला व्यक्ति है कर्मवीर कहलाता है, इसलिए कार्य करते रहना खाली बैठे रहने से हमेशा बेहतर होता है। मन उन लोगों के लिए दुश्मन की तरह करता है जो इसे नियंत्रित नहीं करते हैं। और जिसने अपने मन को जीत लिया है उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है।